हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं प्रणजल। तो भाई आज हम खेले वा रहे हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच की जो सीरीज होने वाली है। दो मैचेस की सीरीज है, छोटी सीरीज है, तो वो खेलने वाला है एस विराट कोहली। अब एस विराट कोहली क्यों? एस विराट कोहली इसलिए क्योंकि देखो पूरा टेस्ट मैच खेलना बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, पता नहीं कितने पार्ट्स आते हैं, बहुत ज्यादा क्रेजी स्टफ रहता है वो। तो हम एस विराट कोहली खेलेंगे तो फटाफट से जल्दी से सीरीज खत्म हो जाएगी, दोनों मैच दिखाने वाला हूं। तो भाई ये बना भी मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी खेलने की, फिर मैंने सोचा ज्यादातर लोगों को विराट कोहली से खेलना ही मतलब देखना पसंद है तो उन्हीं से खेल लेते हैं। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मैच फर्स्ट का डे वन भाई कंप्लीट हो चुका है। राहुल भाई 70 पे खेल रहे हैं, विराट भाई 38 पे आउट हो चुके हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे विराट भाई की 50 या 100 तो हो ही भाई। चलो सीधा भाई टॉस वगैरह पे चलते हैं। लाइनअप्स जो है वो पहले टेस्ट मैच के हिसाब से है, तो मैंने भाई अब ऑब्वियसली सेकंड वाले के हिसाब से तो कैसे ही बताऊं मैं, जब मैंने खुद ने देखा ही नहीं है वो। यहाँ देख सकते हो भाई टेस्ट मैच में रियलिज्म देखो जरा, कोट पहन के आ रहे हैं ये लोग, मतलब रियल में भी ऐसा ही होता है, अगर तुम लोगों को पता नहीं हो तो ये ब्लेजर्स पहन के आते हैं। तो फिर देखते हैं कौन टॉस जीतने वाला है। ओके इंडिया जीता है एंड इंडिया ने बैटिंग चुनी है। वेल रियल में भी इंडिया पहले बैटिंग कर रहा तो बढ़िया रहेगा। अबे इतना भी रियलिज्म नहीं चाहिए था भाई, बहुत ही बेकार स्टार्ट मिला इंडिया को, 14 पे 2 स्कोर चल रहा है, तो ये तो ज्यादा ही रियलिस्टिक हो गया भाई। पर चलो कोई बात है, पहली बॉल सामने यॉनसन है अपने एंड पहली बॉल बढ़िया डिफेंस। शुभमन गिल बेचारे ने अब तक एक बॉल भी नहीं खेली भाई, बहुत जल्दी ही जो है दोनों विकेट गिर गए, पर चलो कोई बात ना एडजस्ट कर लेंगे उस हिसाब से। और तुम लोग बार बार ऐसे बोलते हो भाई टेस्ट मैच है उसको टेस्ट मैच जैसे खेलो, ज्यादा तेज मत खेलो ये वो, तो भाई अब एक काम करते हैं मैं बिल्कुल धीरे खेलने वाला हूँ, 60-70 ऐसे का स्ट्राइक रेट का ट्राई करेंगे, 85 तक भी पहुंचता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो लास्ट बॉल ओवर की इसको मैं चाहूंगा नहीं, विकेट मेडन खत्म हुई है तो भाई पीछे की तरफ आराम से फ्लिक करके सिंगल लेंगे। अब ये लोग क्या है, ये बॉल ही ऐसी डालते हैं भाई, ये मारने की बॉल देते हैं। अब मारने की बॉल दोगे तो भाई मन तो करता ही है ना मारने का, फिर वेल नो बॉल डाल दी रबाडा भाई ने, वेल फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि फ्री हिट वगैरह तो मिलने वाली है नहीं, तो भाई नॉर्मल अपना डिफेंस करेंगे बढ़िया से। मैं सोच रहा हूँ एक स्क्वायर ड्राइव खेल लेते हैं, इजी सिंगल मिल जाएगा भाई। अरे भाई अरे यार स्क्वायर ड्राइव खेल के बढ़िया सिंगल लेना था यहाँ पे भाई, ऐसी की तैसी हो गई। विराट भाई 38 रन बनाए थे, यहाँ पे विराट भाई एक रन पे आउट हो गए यार। वेल दोनों तरफ चीज एक ही हुई कि दोनों बार रबाडा ने विकेट लिया, पर इतनी अच्छी चीज थी नहीं। अब सेकंड इनिंग्स में तो सेंचुरी आनी ही चाहिए। ओके तो हमारी सेकंड इनिंग्स में बैटिंग आ गई एंड फिर से भाई, लास्ट टाइम 12 पे 2 था शायद, अब की बार 15 पे 2 हो गया भाई, ये कभी तो अच्छी शुरुआत दिलाओ। वेल अब की बार भी शुभमन गिल एंड हाँ मैंने स्कोर कार्ड नहीं दिखाया तुमको अब तक, वो स्कोर कार्ड मैं अभी दिखा देता हूँ। ये देखो भाई ये पूरी कहानी रही है अब तक, शुभमन गिल 366 गेंदों में 210 बनाए, बहुत बढ़िया इनिंग्स। एंड दूसरे नंबर पे केएल राहुल 71 बनाए थे, 391 बना दिए इंडिया ने पहली इनिंग्स में। दूसरी इनिंग्स में साउथ अफ्रीका बनाई 235 विद द लीडिंग रन स्कोर है टेम्बा बावुमा, 74 बनाए उन्होंने एंड विकेट लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने 5। चलो बढ़िया, ये अब देखते हैं सेकंड इनिंग्स में हम क्या कर पाते हैं। भाई नहीं खेल रहा यार मैं, ये इतना धीरे नहीं खेल रहा, वो धीरे खेलने के चक्कर में कुछ होता होता है नहीं, मैं आउट हो जाता हूँ बस, इससे अच्छा हम नॉर्मल अपना नेचुरल गेम खेलेंगे। वैसे प्लेयर ऑफ द मैच तो भूल जाओ भाई, इसमें मिल नहीं पाएगा प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि लिटरली भाई उसने क्या बोलता है, शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी मारी है, तो भाई ना नहीं मिल पाएगा। 172 रन की लीड है हमारे पास। वेल मार्को जॉनसन यहाँ पे अपनी ओवर की आखिरी बॉल डालते हुए बढ़िया ही बहुत आराम से ग्लैंस कराए, फील्डर से दूर है बॉल एंड अपनी पारी का पहला चौका। ओके तो मार्को जी वापस आए अपने सामने एंड भाई फिर से वैसी बॉल तो डाल मत देना तू। ओके फिर से वैसी डाल दी, पर अब की बार भाई साहब थोड़ी जो है गुड लेंथ की तरफ ज्यादा थी वो बॉल, तो इसलिए कोहली भाई ने पुल शॉट खेलना सही समझा एंड सिंगल मिल जाएगा। देखते मैं सोच रहा हूँ इसको पीछे की तरफ खेलने को देखू, बॉल डाल दी बढ़िया आराम से ग्लैंस कराए एंड इस पे डबल मिल जाएगा। लास्ट बॉल है ओवर की, तो इससे ज्यादा छेड़ा छाड़ी नहीं करेंगे, अगर ज्यादा ही लेग साइड में नहीं आ जाती है तो, जो कि आई है भाई बहुत ज्यादा लेग साइड में थी ये, तो इस पे बढ़िया फायदा उठाया, इजी सिंगल बटोरा। गीसो रबाडा आ गए हमारे सामने, जिन्होंने भाई पहली पारी में हमारा विकेट लिया था, तो इनको थोड़ा संभाल के खेलेंगे। मेरे हिसाब से जो 185 रन की लीड है उसे अगर हम 350 तक की कर देते हैं तो भाई इसके साउथ अफ्रीका के जीतने के चांस ऑलमोस्ट जो है ना के बराबर हो जाएंगे। बढ़िया अब तक 3 गेंदों पे सम्मान दिया है भाई रबाडा को, लेकिन चौथी पे सम्मान नहीं मिलेगा। चौथी पे बार बार ऐसी बॉलिंग करोगे तो कट मिलेगा एंड हमें कट का चौका मिलेगा, मतलब ये कोहली भाई ने पहले ही देख लिया था, बहुत बार की तरफ बॉल है, इजी गैप में कट करा एंड भाई कोई पीछे है ही नहीं उसके, चौका आराम से। गीसो रबाडा भाई साहब लास्ट ओवर में विकेट लास्ट इनिंग्स में विकेट लिया था ना, उसका बदला लेंगे पूरा। यहाँ पे बहुत अच्छी कवर ड्राइव है भाई, बहुत शानदार, किंग कोहली का ट्रेडमार्क शॉट है ये एंड उसके साथ चौका है तो क्या ही बात होती है। रिप्ले देख सकते हो भाई, किंग कोहली की कवर ड्राइव, कोई चांस है कि ये चौका ना लगे। ओके तो भाई लास्ट बॉल ओवर की एक चौका आ गया है, तो ज्यादा कुछ रिस्क लेने को देखो नहीं जाने वाले हैं, बढ़िया लीव करेंगे बाउंसर। कोहली भाई इस इनिंग्स में थोड़ा सेट नजर आए भाई, लास्ट वाली जो
इनिंग्स थी वो तो बहुत ही वियर्ड गई कोहली भाई के लिए, पर यहाँ पे ठीक ठाक सा शॉर्ट एंड सिंगल मिल जाएगा। चलो आए दूसरे एंड से रबाड़ा वापस आते हुए 207 रनों की हमारी ये लीड हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया चलती हुई। यहाँ पे एक ड्राइव के लिए सिंगल देके जाएगी। भाई साहब अय्यर भाई को खेलना ही नहीं है, खेलना ही नहीं है तो आए क्यों थे यार भाई, इनको सिंगल दो, ये सिंगल देते ही वापस से सिंगल देते हैं कि भाई तू ही रख स्ट्राइक। 33 गेंदों में 18 बना रखे कोहली भाई, तो ये ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 55-56 का स्ट्राइक रेट होगा। पर यहाँ पे सिंगल उस बॉल पे, अरे भाई साहब श्रेयस अय्यर भी निकल लिए, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, कोई तो टिक लो मेरे साथ। पर केएल राहुल आए, देखते हैं ये हमारे साथ टिक पाते हैं तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे बैकफुट डिफेंस देखते हैं, एक ऑफ ड्राइव खेलने की सोच रहा हूँ अब मैं, बॉल उस लायक आई है, मारी भी है, अब देखते हैं बॉल जाती कहाँ तक है, क्या बाउंड्री तक जा पाएगी बॉल। वेल थोड़ा मुश्किल है यार, नहीं जाएगी, ट्रिपल ही, अरे अरे जा, मतलब गई तो नहीं थी बॉल पर उसका पैर अड़ गया बाउंड्री पे। अब कई लोग तो समझ गए पर कई लोग समझे नहीं होंगे कि भाई चौका कैसे गया, मैं बताता हूँ। देखो भाई बाउंड्री तक ऑलमोस्ट बॉल चली गई, फील्डर भागता हुआ आ गया, अब उसके बाद क्या हुआ वो मेन चीज है। ये देखो फील्डर ने बॉल तो, ये देखो बॉल तो फील्डर ने पीछे हटा दी, अजीब तरीके से हटाई है पर जो भी है पीछे हटा दी, पर जब उसने हटाई तब उसका पैर बाउंड्री के टच हुआ, ये हुआ है। मैं सोच रहा हूँ अगर एक गुड लेंथ पे बॉल डालता है ना तो कट कर दूंगा उसे। ओके डाली है, कट मैंने कर दी है, फील्डर के हाथ नहीं आने वाली है, बहुत आराम से चौका। मतलब तुम ही देख लो भाई, कोहली भाई के कट के आगे कोई बोल सकता है क्या, फील्डर मतलब भागने की कोशिश ही नहीं करते पीछे की भाई ये तो गई बाउंड्री पे, रहने दो। लास्ट बॉल ओवर की 9 रन आ चुके हैं तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं लेंगे, बढ़िया बैकफुट पे डिफेंस करेंगे। अब ये क्या मजाक चल रहा है भाई, केएल राहुल भी आउट हो गए, शार्दुल ठाकुर भी आउट हो गए, दोनों डक। राहुल भाई 2 बॉल में 0 बना के निकल लिए, शार्दुल भाई तो आते ही निकल लिए, जॉनसन के नाम 4 विकेट। वेल अब हमारे साथ कौन खेल रहा है, रविचंद्रन अश्विन। तो अब मुझे एक चीज ये भी याद रखनी है कि भाई ज्यादातर जो स्ट्राइक है वो खुद के पास ही रखो, ये और अलग भाई 65 रन पे 6 विकेट, भाई ये कुछ ज्यादा ही हालात खराब यहाँ पे इंडिया के, तो मुझे अब शायद थोड़ा तेज गति से भी रन बनाने को देखना होगा, कई चीजें हैं भाई। पर उसी बीच यहाँ पे बहुत बढ़िया ग्लांस से चौके के लिए जा सकती है एंड जाएगी भी, कोहली भाई के चरणों में गेंद, मतलब देखो साफ है आकाश चोपड़ा ने बताया बाउंड्री की शरणों में गेंद। तो मैं सोच रहा हूँ इस बॉल पे सिंगल लिया जाए क्योंकि भाई अश्विन भाई है, वैसे तो वो खेल लेंगे बट स्टिल भाई जब राहुल शार्दुल ये लोग नहीं खेल पाए तो अश्विन भाई पे भी क्यों ही भरोसा करना, सिंगल लेते हैं लास्ट बॉल पे। देखते हैं अश्विन भाई के साथ बढ़िया 100-150 रनों की अगर हम साझेदारी कर पाते तो बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी भाई, इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है वो। यहाँ पे स्ट्रेट ड्राइव जिसपे डबल तो निकालना ही है भाई, और कोई चांस ही नहीं है। ओके आ जाएगा आराम से डबल आ जाएगा। तो 49 बॉल्स में 34 बना रखा है, यहाँ पे हो गया 50 बॉल्स में 34, यानी कि हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो 68 का। सेकंड लास्ट बॉल ओवर की एंड यहाँ पे अब मैं सोच रहा हूँ सिंगल के लिए देख लेते हैं अब। ओके बढ़िया शॉट खेला है, अबे यार ये सिंगल नहीं, ये ज्यादा ही अच्छा खेलने में आ गया, ये चौका होगा। ओके अब भाई सीधा ऐसी जगह मारो जहाँ फील्डर है, सीधा फील्डर के हाथ में मारो ग्राउंडेड शॉट जो भाई सिंगल ही मिले, मुझे सिंगल चाहिए भाई, चौके नहीं चाहिए इस मोमेंट। पहली बॉल अच्छी बिल्कुल फुलर लेंथ पे ऑलमोस्ट यॉर्कर ही थी, उसको कोहली भाई ने सम्मान दिया, डिफेंस करा, तो दूसरी कैसी आने वाली है, दूसरी भी ऑलमोस्ट वैसी। एंड भाई साहब ये अच्छी बात है कि ये वाली जो बॉल आती है ना इन पे एज लगता है वो सीधा भाई नीचे अट जाती है पहले, नहीं तो ये कोहली भाई कौन होते अभी। इस बर्गर को थोड़ा दिखाना पड़ेगा भाई ठीक ठाक बॉलिंग करके, क्योंकि सामने किंग कोहली खेल रहे हैं, थोड़ा अग्रेसिव होते हैं इसके आगे। चल पता चल गया भाई साहब, पता चल गया आगे कौन है, किंग कोहली नाम है, किंग कोहली। रीप्ले देख सकते हो भाई, चिप शॉट एंड चिप शॉट में क्या बैट का फ्लो, वेल ये क्या था, अजीब सा ही था जो भी था, पर चलो जो भी है चौका मिला है। वो सिंगल लेना है तो अब मैं कहीं और मारूंगा ना फाइन लेग को छोड़ के, और अच्छी टाइमिंग होगी ज्यादा ही तो वो चौका होकर चल जाएगा, तो इससे अच्छा फाइन लेग के हाथों में मारो एंड सिंगल लो। अबे यार फाइन लेग के हाथों में मार ना पाए, अब अगला ओवर पूरा रविचंद्रन भाई को खेलना पड़ेगा। मुझे लगा ही था भाई ये अश्विन भाई पे भरोसा नहीं करने का था, महाक्रम आया सामने हमारे साथ, अब खेल रहे हैं सिराज भाई एंड यहाँ पे बढ़िया डिफेंस। कोहली भाई क्या खेलने को देखने वाले हैं महाक्रम को, 60 गेंदों में 43 बना रखे हैं, महाक्रम अपना पहला ही ओवर डाल रहे हैं, क्या दबाव डालने को देखेंगे। ओके देखा है एंड बढ़िया दबाव डाला है भाई, आगे बढ़ के कवर्स की दिशा में लॉफ्टेड मारा है एंड इस पे वैसे ट्रिपल आ सकता है पर मैं डबल ही लूंगा क्योंकि सिराज भाई को स्ट्राइक नहीं देने का है। कुछ भी कहो भाई, अगर मैं ये मार्कम को डिफेंस पे डिफेंस करूंगा ना तो बिना मतलब इनके भाई पार्ट टाइमर को हम क्यों डरे, पार्ट टाइमर से क्यों डरे भाई। देखो ऐसे शॉट मारने पड़ेंगे इसको, कोहली भाई का पहला सिक्स इनिंग्स का एंड वेल इस सिक्स के साथ भाई कोहली भाई की 50-82 का स्ट्राइक रेट, 8 चौके एक छक्का। वेल एक बॉल बची है तो अब हम सिंगल ले लेते हैं बढ़िया से। ओके बहुत आराम से खेला ये फाइन लेग नहीं लेग साइड में एंड सिंगल मिल जाएगा। ओके तो दूसरे एंड से मार्को जॉनसन एंड, अरे मार्को भाई देखो मार्क्रम को पीटा था, वो पार्ट टाइमर है देखो उसको तो पीटेंगे पर आपको ऐसी फील लगाने की क्या जरूरत है यार। इनको पता है ना भाई क्रिकेट 24 में देखो अगर तुम मारने जाओगे ना तो डबल लेना मुश्किल है, ज्यादातर सिंगल ही आता है तो इन्होंने बाउंड्री पे ही लगा दिया क्योंकि सिंगल तो इनको पता है मैं लूंगा निसराज भाई को स्ट्राइक तो दूंगा नहीं, क्लेवर। ओके तो भाई देखो बहुत क्लेवर है एआई, मानना पड़ेगा इसको, पता है कि भाई लिटरली मुझे पता भी नहीं चला एआई इतना इवॉल्व कर गया इस गेम का भाई,
मुझे नहीं पता था इस गेम का एआई इतना समझदार है कि इसको पता होगा मुझे कब सिंगल लेना है, कब मुझे चौके मारने को देखना है। देखो अब मुझे सिंगल लेना था, अब इसने सारे फील्डर अंदर बुला लिए, पर वो चीज फिर भी मुझे सिंगल लेने से नहीं रोकी। ओके, तो मार्करम भाई वापस आए। मार्करम भाई देखो तुमको बोल रखा है मैंने, तुमको सम्मान नहीं मिलेगा, कितना ही मांगो नहीं मिलेगा। एंड ये भी बहुत अच्छा शॉट है, ये भी सिक्स जाएगा। डिफिकल्टी भी कोई चेंज नहीं, वो तो भाई ऐसे ही है, मार्करम को लिया था यार, थोड़ा बताना पड़ता है ना उनको। एआई अपना टेस्ट एंड बैटिंग रियलिस्टिक, अपनी फिजिक्स भी रियलिस्टिक। और वैसे शॉट भी तो देखो ना, शॉट क्या है, लॉफ्टेड कवर ड्राइव। भाई लॉफ्टेड कवर ड्राइव कोहली भाई से अच्छी कौन खेलता, तुम बताओ, कोई खेलता है तो छक्का तो मिलेगा ही ना। बस तुम इस गेम में स्पिनर्स का डोमिनेशन देखो, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं इस बॉल, बस स्पिन दिखाऊंगा मैं तुमको बॉल का, ये देखना आराम से बॉल आ रही है, स्पिन देखना बस। मार्करम है ये पार्ट टाइम स्पिनर, देखो स्पिन देखो जरा बॉल का भाई, कहां पे बॉल बाउंस खाई है, उस वहां से कितना स्पिन हो गई, ये तुमको रियल टाइम में दिखाता हूं मैं, ये देखना रियल टाइम में देखो भाई कितना स्पिन हुई है बॉल भाई। पार्ट टाइमर है ये, पता नहीं भाई महाराज खेल रहा होता तो वो तो आके क्या ही कर देता। अब देखो क्या है, मानते हैं वो मार्करम है, पार्ट टाइमर है, उसको मारना पड़ता है, उसको पता मतलब उसको भी पता चलना चाहिए ना कि ऐसे हर किसी को थोड़ी बॉलिंग करने पे दोगे, लेकिन उसको बेचारे को हर बॉल पे मारने जाओगे ना बेचारे का दिल टूट जाता है, ऐसे डिफेंस भी करना पड़ता है। लास्ट बॉल है ओवर की, बढ़िया से ही जो है ना लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल लेने को देखेंगे। अब यार लॉन्ग ऑन देखना था, ये मिड ऑफ देख लिया एंड अब अगला पूरा ओवर सिराज भाई को खेलना है, प्लीज सिराज भाई आउट ना होना प्लीज। अरे सिराज भाई ओपी भाई, सिराज भाई पूरा ओवर खेल गया यार, बहुत बढ़िया सिराज भाई, मान गए यार, सिराज भाई को मान गए, बहुत बढ़िया। अरे अरे आराम से, अपने खुद को भी तो मानने का रखना है, ये साउथ अफ्रीकन होते हैं ना भाई, ये बदमाश है, अब इनको कितनी बार बताऊं मैं मार्करम को ओवर नहीं देना, कितनी बार डरा हुआ था कि भाई कैच हो सकता है तो इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था, पर चौका आ गया। तो लास्ट बॉल है ओवर की, यहाँ पे तो लूंगा भाई, लास्ट ओवर में गलती कर दी मैंने सिंगल नहीं लेने की, पर यहाँ पे तो लेने वाला हूँ मैं सिंगल, नहीं ले पाए, अब ले ही नहीं पाए उसका मैं क्या करूँगा यार, प्लीज सिराज भाई खेल लेना एक और। मेरे से पूछो भाई अब तक का मेरा सबसे बेस्ट बैटिंग पार्टनर कौन रहा इस टेस्ट मैच का, शुभमन गिल नहीं, राहुल नहीं, सिराज, मोहम्मद सिराज भाई, उन सबको स्ट्राइक दो वो आउट हो जाता है, मोहम्मद सिराज भाई मुझे वापस से सिंगल दे रहे हैं भाई साहब। अगला ओवर जैसे ही शुरू हुआ पहली बॉल पे सिंगल दे दिए, बहुत बढ़िया सिराज भाई, आपके इसी चीज पे कट खेलने का मन कर रहा है मेरा, चलो बढ़िया कट खेला है भाई कोहली भाई के कट के आगे कोई बोल सकता है क्या, वाली लाइन एंड एक और चौका। चलो सेकंड लास्ट बॉल है, इस पे मैं सिंगल की देख लेता हूँ फिर, वो क्या लास्ट बॉल पे हमेशा मिलता नहीं, ये बढ़िया भाई, ये ज्यादा दूर गई नहीं, आराम से हमें बस सिंगल ही तो चाहिए था, यहाँ पे काम हो गया भाई, सब वापस लिया ये मार्करम को। मेरे को बस इतना सा बता दो कि भाई हम इतनी मार खाने के बाद समझ जाएंगे कि मार्करम को नहीं लाना है आपके सामने, उतना मार के छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि ये तो तीसरा छक्का मार दिया मैंने मार्करम को, चौका है ऑलमोस्ट छक्का, दूसरा दो छक्के ये चौका मारा है मार्करम को। देखो मार्करम भैया बात ऐसी है, वो छक्का लगता लगता रह गया, अगला वाला वो है रहेगा नहीं, तो मान जाओ, मान जाओ यार मान जाओ, पिछला वाला छक्का लगता लगता रह गया था, ये लग गया है। अब देखो मार्करम को मारने पे कोई नहीं बोलेगा, देखो टेस्ट मैच है कोहली भाई तेज नहीं खेलते, ये वो मार्करम को तो मारूंगा मैं। वही सेकंड लास्ट बॉल ओवर की, बढ़िया लॉन्ग ऑन के हाथ में मार के लेंगे सिंगल, यहाँ पे फाइनली एग्जीक्यूट कर भी पाया वो मैं, सिंगल मिल जाएगा। ओके तो ककीसो रबाड़ा है हमारे सामने, अरे रबाड़ा भाई चिंता नहीं करने का, आपको नहीं मारूंगा यार, वो तो मार्करम को ले आते हैं तो ऐसे मारना पड़ता है, आप फील्ड नॉर्मल कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पता है अभी इन्होंने फील्ड क्यों खोल रखी है, ये मतलब नहीं है कि भाई साहब क्या बोलते हैं मैं मार रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने इसलिए बोल रखी है, इनको पता है अभी मुझे चौके छक्के मारने हैं, सिंगल लेने से इतना मतलब है नहीं, अगर लूंगा तो डबल ही लूंगा, डबल इसमें आना बहुत मुश्किल रहता है, तो अब पता है ये फील्ड बंद कब करेंगे, अभी चौथी बॉल है, पांचवी और छठी बॉल होगी ना देख लेना, उस पर बंद कर लेंगे फील्ड, आराम से एक या दो मैक्स फील्डर बाहर रहेंगे। ओके भाई साहब डिफेंस करने में भी एज अड़ गया, अब एज अड़ाई है दूर गई है तो सिंगल ले लेते हैं, दो बॉल सिराज संभाल लेगा। मैं सोच रहा हूँ उसको स्क्वायर रीजन में भी मारने को देख सकते हैं मार्करम को, एंड देखा है कोहली भाई मार्करम को मारने को देखता है ना वो सिक्स ही जाता है, लिटरली भाई डिफिकल्टी तक रियलिस्टिक है। इसी के साथ 50 रन पार्टनरशिप हमारी मोहम्मद सिराज के साथ, बहुत बढ़िया। ओके तो लास्ट बॉल ओवर की, ज्यादा दबाव नहीं बनाएंगे सिराज पे, इस पे सिंगल लेने का पूरा ट्राई करने वाला हूँ मैं, एंड आ जाएगा सिंगल, बढ़िया लॉन्ग ऑन के हाथ में इजी सिंगल, 100 गेंदों में 87 रन, बढ़िया 87 का स्ट्राइक रेट चलता हुआ अपना, एंड भाई सेंचुरी तो नजर आ ही रही है ना, सेंचुरी मुझे तो नजर आ रही है, क्योंकि बल यहाँ पे अभी नजर आ रही थी ना वो अभी टूट जाती है। सेकंड लास्ट बॉल है, इस पे सिंगल लेना बहुत आराम से, मतलब आराम से ले सकते हैं, क्योंकि बस थोड़ा खिसको आराम से क्लिक करो एंड इजी सिंगल लो, दैट्स इट। ओके तो फाइनली भाई ये मार्को जॉनसन को लिया है, क्योंकि मार्करम आता था ना भाई, अब की मार तो मैं उसको 3-4 छक्के मार देता है इस ओवर में। अच्छा वैसे किंग कोहली खेल रहे हैं भाई, तो प्लीज यार जरूर से बता देना कि शॉट ऑफ द डे जो है वो तुम्हें कौन सा लगा भाई। ओके तो लास्ट बॉल है ये जॉनसन के ओवर की, अब तक एक भी रन आया नहीं, उसकी दिक्कत है भी नहीं, मुझे सिंगल लेना है आखिरी बॉल पे, जो कि नहीं मिलेगा,
ये बहुत गड़बड़ हो गई है सिराज भाई, प्लीज संभाल लेना। ओके तो भाई, वेल सिराज भाई के संभालने से पहले यहाँ पे सेशन खत्म हो गया एंड मार्को योनसन 5 विकेट हॉल करके अपना, देखते हैं नेक्स्ट सेशन में क्या होता है। वेल टू बी ऑनेस्ट, मार्को योनसन जो है ना वो 5 विकेट हॉल डिजर्व करता था, क्योंकि बस ये देख लो उसने लगातार 4 विकेट लिए, श्रेयस अय्यर योनसन ने, राहुल योनसन ने एंड राहुल ठाकुर अश्विन, तीनों को डक करके भेजा भाई योनसन ने, गजब बॉलिंग कर रहा भाई। अरे सिराज भाई यू ब्यूटी यार, पहली बॉल पे मेरे को सिंगल दे दिया, मैं बोल रहा था सिराज भाई संभाल लेना, सिराज भाई भी लाइक अरे तुम संभालो यार सिंगल लो, तुमने मेरा स्ट्राइक रेट जो है गिरता हुआ नोटिस किया होगा, वो गिर इसलिए रहा है क्योंकि भाई ऑब्वियसली तुम्हें अच्छा लगता है वो कम स्ट्राइक रेट टेस्ट मैच में, सबको अच्छा लगता है देखने में। एंड दूसरी बात यह कि पहले ये बंदा आ रहा था, मार्कर मार रहा था बार बार, तो इसको मैं छक्के चौके मारे जा रहा था। ओके तो भाई सेकंड लास्ट बॉल है ओवर की, सिराज भाई आराम से एक बॉल तो संभाल ही लेते हैं, तो इस पर बढ़िया सिंगल लेने को देखने वाला हूं मैं एंड बढ़िया आराम से पुल शॉट खेला, बहुत इजी सिंगल मिल जाएगा। देखो 89 पे आ चुके हैं, तो देखो जाहिर सी बात है ज्यादा बहुत ज्यादा बेसिस कम लेने नहीं जाएंगे एंड रन तो आपने इजी आ ही रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रेट ड्राइव खेली है, ये बहुत धीमी है, तो इस पर डबल ही मिल जाएगा। सेकंड लास्ट बॉल है ओवर की, तो देखते हैं इस पे तो सिंगल लेने की बहुत अपॉर्चुनिटीज है, देखते हैं कहाँ पे लेना चाहूंगा मैं। ओके भाई यहाँ पे बाउंसर आई थी, आराम से पुल शॉट मारा, मैं चाहता तो इस पे छक्का भी मार सकता था, पर सिंगल लेके ही संतुष्टि रखेंगे। ओके सो भाई हमारे सामने है बर्गर, तो बर्गर भैया क्या करा जाए तुम्हारा बताओ, तुम बोलोगे जो होगा, कुछ बोलता ही नहीं है भाई, अब कुछ बोलेगा नहीं तो मुझे खुद से ही करना पड़ेगा ना, तो मैंने खुद से सोचा कि इसे छक्का मार देते हैं। जरा रिप्ले देखना इस शॉट का भाई, क्या ही तो कंट्रोल है इस पे कोहली भाई का। टू बी ऑनेस्ट भाई जितने भी सिक्स मारे ना उसमें सबसे क्लास वाला जो सिक्स था वो तो यही था कोहली भाई की। भाई बैटिंग भी ऐसी है ना कि देखो जो सिक्स है वो भी तुम्हें शॉट ऑफ द डे लग सकते हैं, जो कवर ड्राइव है वो भी तुम्हें शॉट ऑफ द डे लग सकते हैं, यहाँ तक कि जो डिफेंस है बहुत बढ़िया, ट्रिपल आइडियल ये भी तुम्हें शॉट ऑफ द डे लग सकता है, तो बता जरूर से ना कौन सा लगा है ना, जरूर से बताना। जो सेकंड लास्ट बॉल है ओवर की, 300 रनों से इंडिया जो है लीड कर रही है, यहाँ पे बहुत ही हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन के पास खेला इजी सिंगल के लिए। मैं क्या सोच रहा था अगर सामने की तरफ चिप शॉट मार के हम सेंचुरी लगाएंगे तो वो बहुत देखने में अच्छा लगेगा, पर देखते हैं उस लायक बॉल आती भी है या फिर नहीं, वो देखने की बात है क्योंकि आई तो है बॉल उस लायक। अरे 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 ये क्या भाई साहब आउट हो जाता ये मोहम्मद सिराज, अभी इतना बढ़िया शॉट देखने में लग रहा था पर कुछ ज्यादा ही नीचे रह गए भाई सीधा स्टंप्स पे। भाई तुम लोग कुछ भी कह लो पर आज ना मैं सिराज भाई की बैटिंग का फैन हो गया भाई, कितना पेशेंस रख के बीच बीच में चौके तक मारे हैं सिराज भाई ने लिटरली, जहाँ पे अश्विन शार्दुल राहुल डक हुए सिराज भाई बढ़िया खेल रहे हैं। ओके सो लास्ट बॉल है ओवर की, इस पे सिंगल लेने का देखने वाला है, कोशिश भी करेंगे कि भाई हो ही जाए सिंगल, लेट्स गो। अब यार ये बहुत बाहर डाल दी भाई, बहुत ऊंची थी एंड ये इसमें वाइड नहीं दी है, या एक और बार सिराज भाई संभाल लेना ओवर। भाई साहब सिराज भाई संभालते ही नहीं है, केवल सिराज भाई बोलते हैं मैंने तो संभाल लिया एंड अब आप सिंगल लो, आप खेल लो जो खेलना है। बहुत बढ़िया सिराज भाई यार, बहुत ही बढ़िया। ओके तो सेकंड लास्ट बॉल है ओवर की, ये सोचने कि मैं यहाँ पे भाई सिंगल के लिए जाने वाला हूँ, बट क्या ऐसा सच है? वेल बिल्कुल भी नहीं भाई, यहाँ पे हम लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलेंगे चौके के लिए एंड इस चौके के साथ पूरी होगी सेंचुरी। 139 बॉल में 103, 74 का स्ट्राइक रेट, 12 चौके एंड 5 छक्के, बहुत ही बढ़िया 100 भाई। 155 में से 103 रन कोहली भाई ने अकेले बनाए टीम के लिए, और तो मैं क्या ही बोलूं भाई। ओके यहाँ पे ये शॉट मुझे देखने में लग नहीं रहा था इतना बढ़िया चला जाएगा, पर ये भी चौका है। इस शॉट का तो भाई लिटरली रिप्ले देखो यार, क्या मस्त शॉट है, बहुत बढ़िया शॉट, मतलब बिल्कुल नीचे से पुल शॉट टाइप सा मारती है एंड इजी चौके के लिए गई बॉल। कोविड से बढ़िया भाई एक विकेट ले जा चुके हैं, 28 रन दिए 5.3 ओवर में, जो कि मैं ठीक ही कहूंगा, पर हाँ जो भी है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा लेट कट खेला एंड ये चौके के लिए जाएगा, फील्ड का पूरा अच्छे से बताता कोहली भाई को कौन सा फील्डर कहाँ है, इजी भाई साहब लेट कट खेला, कोई फील्डर नहीं पीछा करने वाला, मतलब वो कर रहा है पर बहुत दूर है यार, समझ जाए करो ना, आराम से चौका। लास्ट बॉल है ओवर की एंड देखते हैं किस प्रकार से अपना जो ये सिंगल है वो लिया जाए, लास्ट बॉल पे देखो सिंगल लेना ही है क्योंकि तो बढ़िया सा सीधा भाई फील्डर के हाथ में खेला, आराम से सिंगल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई तो पानी पिलाना है, जाओ आओ भाई सूर्य भाई आओ, वैसे भी टेस्ट में तुमको कौन ही खिलाएगा, पर हाँ जो भी है विराट भाई को पानी की जरूरत है भाई, इतना इतनी देर हो गई खेलते हुए, सिराज भाई को भी लिटरली, सिराज भाई बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे। ओके तो रबाड़ा भाई है, क्या रबाड़ा भाई का स्वागत करने को देखा जाए, क्या बोलते हो भाई? ओके देख लिया कोहली भाई, सोचे कि चलो स्वागत कर देते हैं भाई का, थोड़ा सा बढ़िया फाइन लेग की दिशा में आराम से चौका मारा है। मैं देखना चाहूंगा अगर मैं तीसरी बॉल पे सिराज भाई को स्ट्राइक दूं तो क्या संभाल लेंगे, वेल जहां तक है संभाल लेते हैं भाई साहब, अभी ये सोचने के चक्कर में गलती से आउट ही हो जाता मैं, वेल चलो कोई बात ना, फायदा हमारा ही है भाई, किस्मत बहादुर के साथ एज का चौका मिला, पहला एज का चौका है भाई ये कोहली भाई की पारी में, 120 रन बना दिए पहला एज का चौका, बढ़िया ही बात है। देखो यहाँ पे बढ़िया सा चिप शॉट खेला है, फील्डर से दूर है, डबल आराम से मिल जाएगा। ओके तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, सामने की तरफ हम लॉफ्टेड शॉट खेलने को जाए क्योंकि बहुत अच्छा खासा गैप है, तो जा सकते हैं लॉफ्टेड शॉट खेलने के लिए। ओके
ओके भाई साहब, बैकफुट पे जाके मारा है, लॉफ्टेड है, क्या चौका मिलेगा? वेल क्यों नहीं मिलेगा ना, मिलेगा। एंड इस चौके के साथ 100 रन पार्टनरशिप विद मोहम्मद सिराज में, बहुत बढ़िया पार्टनरशिप चलती हुई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि सिंगल ले लेते हैं भाई, 126 पे खेल रहे हैं बाय द वे, 160 गेंदों में 126 बना रखे हैं, बढ़िया। यहाँ पे कट खेला सीधा फील्डर के हाथ में, वेल मानना पड़ेगा बहुत मुश्किल था, पर फिर भी सिंगल ले लिया है। ओके सो मिस्टर रवाड़ा इज हेयर भाई, 161 में 127 बना रखा है, सामने की तरफ चिप शॉट खेलने का प्रयास रहने वाला है मेरा, जो कि खेल भी दिया है, फील्डर से दूर है, चौके के लिए बॉल जाएगी। मतलब भाई यहाँ पे फील्डर तुमने हटा क्यों रखा है, जब मैं बार बार इधर ही चौके मार रहा हूँ तो। बाय द वे 50 ओवर के बाद 193 पे 7 यानी 193 पे 7 स्कोर है इंडिया का, बहुत अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे चलती हुई अभी सिराज एंड कोहली के बीच। एंड उसी बीच कोहली भाई का ये बहुत बढ़िया लॉफ्टेड फ्लिक है, इजी छक्का, देखा बहुत बढ़िया, पैरों में गेंद थी, उसको आराम से फ्लिक मारा, बहुत ही बढ़िया छक्का गया। वेल 200 रन भी पार होने वाले टीम इंडिया के, एंड वेल इसका पूरा क्रेडिट कोहली भाई को जाता है, 137 उन्होंने ही बनाया, तो ऑब्वियसली बात है ना, देखो आराम से समझ जाना चाहिए आदमी को। एंड आप कोहली भाई थोड़ा अंदाज दिखा रहे हैं अग्रेसिव अपना, यहाँ पे एक और चौका 142 पे, एक बार मैं सोच रहा हूँ 150 पे तो जल्दी से पहुंचते हैं, चलो। ओके यहाँ पे पुल शॉट है, पुल शॉट मारने लायक बॉल थी नहीं, फिर भी पुल शॉट मार दिया एंड इजी चौका, क्या 150 से पहले ही अपनी लास्ट बॉल होने वाली है। वेल देखते हैं, सामने की तरफ मारने को जाने वाला हूँ मैं। ओके मारने गए हैं, चौका जा सकता है, फील्डर चेस कर रहा, पर भाई कोई चांस नहीं, इजी चौका। इस चौके के साथ 150 रन पूरे, 177 में 184 का स्ट्राइक रेट, 21 चौके 6 छक्के मार रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ फील्डर के हाथ में खेल के सिंगल ले लेते हैं वापस से भाई, बढ़िया फ्लिक करा है, फील्डर के हाथ में गई है, इजी सिंगल। ओके तो कोई जी आपने स्पेल के साथ पहली बॉल पे उनका स्वागत हुआ है लेट कट चौके के साथ, 375 की लीड हो चुकी है भाई। वैसे मेरे हिसाब से अगर 400 की लीड हो जाती है तो उसके बाद सेंसिबल यही रहेगा कि हम क्या बोलते हैं, हम क्या रोहित भाई डिक्लेयर कर दे। लास्ट बॉल है ओवर की, इस पे सिंगल के लिए जाने वाले, मोस्ट प्रोबेबली आ भी जाएगा, बहुत गैप है लेग साइड में, ऑब्वियसली आना ही था। जरा वैगन व्हील देखना कोहली भाई का, लेग साइड में इस तरफ थोड़े कम रन है भाई, लॉन्ग ऑन की दिशा में थोड़े, देखते हैं भाई पीछे की तरफ भी खेलने को देखूंगा, बढ़िया भाई, बिल्कुल खेलने लायक बॉल डाली है, फाइन लेग पे खेला, इजी चौका। बाय द वे अगर तुम सोच रहे हो तो शुभमन ने कितने रन बनाए थे, उसने 210 बनाए थे, उससे ज्यादा दूर तो हम भी नहीं है ना, थोड़े तो दूर है, पर हाँ भाई ये जितने दूर है इतने तो बना ही सकते हैं कोहली भाई। वेल यहाँ पे सिंगल आ गया है सिराज भाई, बढ़िया 62 गेंदों में 26 बना रखे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हुए किंग को। ओके सो लास्ट बॉल है ओवर की, इस पे सिंगल लेने को देखने वाले हैं, 56.5 ओवर्स में 231 पे 7 इंडिया का स्कोर, बढ़िया कट करा है सीधा फील्डर के हाथ में, इजी सिंगल। 58 ओवर के बाद 233 पे 7 स्कोर इंडिया का, आफ्टर 58 ओवर्स 233/7 इंडिया का भी स्कोर चल रहा है। एंड ओके ये शॉट में मजाक नहीं कर रहा हूँ, खेलना नहीं चाहता था भाई मैं, ओके थैंक गॉड, ये शॉट में खेलना नहीं चाहता था भाई, भगवान देखता है सब, उसमें फील्डर के हाथ में भी नहीं दिया, बढ़िया सिंगल मिल गया। ओके सर कोहली वर्सेस जॉनसन चलता हुआ, कोहली भाई ने चिप शॉट खेलने का प्रयास करा, ए जड़ा एंड एज का चौका मिल जाएगा भाई, दूसरा एज का चौका ही भाई, ये मैच ड्रॉ करने से अच्छा ये मैच जीतना चाहूंगा मैं, एंड भाई उसके हिसाब से तो कैप्टन को डिक्लेयर कर लेना चाहिए, तो शायद वो मेरी 200 का इंतजार कर रहा है, मुझे तेज खेलना चाहिए भाई। ओके भाई डे 3 खत्म, डे 4 की शुरुआत हो चुकी है, 172 215 गेंदों में कोहली भाई, एंड अब जैसा कि मैंने बताया था थोड़ा अग्रेसिव खेलेंगे। अरे मैं नोटिस नहीं करा यार, वो सिराज भाई के साथ पार्टनरशिप टूट गई है, सिराज भाई आउट हो गए, तो कितने रन बनाए सिराज, 163 रन की पार्टनरशिप, डैम इट बहुत तगड़ी पार्टनरशिप थी, मतलब क्या ही बोले भाई, 163 के बाद जो सेकंड बिगेस्ट है वो है 24 रन की, वो है कोहली एंड गिल की, क्या पार्टनरशिप थी, 243 गेंदों में 163 जिसमें से 34 तो सिराज ने बनाया, बहुत बढ़िया बात है। वैसे हमसे भी कमाल की जो साझेदारी है वो हुई थी केएल राहुल एंड शुभमन गिल के बीच, शुभमन गिल एंड केएल राहुल ने मिला के बनाए 193 रन भाई, बहुत बढ़िया। जैसा कि मैंने बोला था अग्रेसिव खेलने वाले, तो यहाँ पे मैं लॉफ्टेड के लिए जाने वाला हूँ, 172 पे हम खेल रहे हैं इस टाइम पे, एंड ये बढ़िया लॉफ्टेड है, चिप शॉट है, एंड सामने की तरफ एक चौका है। हमेशा लॉफ्टेड खेलो वो बहुत रिस्की होना जरूरी नहीं है ना भाई, बहुत आराम से चिप शॉट खेला, कोई रिस्क नहीं था इसमें, एंड आराम से चौका मिला। अब मेरे तेज खेलने का एक कारण रहने वाला है कि भाई अगर मैं थोड़ा धीरे खेलता हूँ ना, तो ये मैं ड्रॉ होने के ज्यादा चांस हो जाएंगे, तो तेज खेलो, सामने की तरफ चिप शॉट मारते रहो, चौके बटोरते रहो। ओके तो पूरी फील्ड खोल रखी है, लेकिन अब बैटिंग भी उस हिसाब से ही होने वाली है, कोइट्स भाई 2 विकेट है उसमें से एक सिराज का है ना शायद, चलो सिराज भाई का बदला लेंगे। अब बदला कैसे लेंगे, पुल शॉट के साथ जो कि जाएगा छक्के के लिए। मैं सोच रहा हूँ कट खेलने को देखा जा सकता है ना इस बॉल पे,
देखा है फील्डर से दूर है, पर अब की बार शायद चौका मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। कोहली भाई 192 में खेल रहे हैं, कोहली भाई 65 ओवर में 268 पे स्कोर है, 268 पे 8 अगर तुम समझे नहीं हो तो, यहाँ पे मिस करी वेल केवल दो चौके दूर है अब डबल सेंचुरी से। वैसे भाई मजाक से हटके मैं अब रियलाइज कर रहा हूँ कि जो मेरा कैमरा है वो बंद हो गया था भाई, मैं फोन को ही एज कैमरा यूज करता हूँ तो थोड़ी दिक्कतें आती है ये चीज, तो अब मैं देख रहा हूँ मेरा फोन बंद हो चुका है कैमरा एंड वो डिस्चार्ज हो गया भाई, इसीलिए मैं लंबी वीडियो बनाने से थोड़ा कतराता हूँ। तो भाई अब पता नहीं मुझे कब से बंद है यार, जब से भी देख रहा हूँ, सॉरी ऑल ऑफ यू, पर क्या ही कर सकते हैं भाई, आवाज तो थी मेरी उसके साथ ही, चला दो यहाँ पे डबल लेंगे। ओके तो कोहली भाई 195 पे एक छक्का दूर अपनी सेंचुरी से। ओके बॉल उस लायक आई तो नहीं थी पर मैंने काइंड ऑफ पुल मार दिया, फ्लिक था ये शायद, अब क्या था पुल फ्लिक जो भी था चौका मिला है। 199 पे कोहली भाई चौका छक्का कुछ भी मारो फटाफट से डबल सेंचुरी पे पहुंचो यार। ओके इससे बढ़िया क्या शॉट हो सकता है 200 के लिए, 235 गेंदे 205 रन 87 का स्ट्राइक रेट 28 चौके 8 छक्के मारे भाई, व्हाट अ इनिंग्स, लिटरली भाई व्हाट एन इनिंग्स बाय किंग कोहली यार, बहुत बढ़िया। अब हर बॉल पे मारने जा रहा हूं मैं, बहुत हो चुका है एंड मारने जाएंगे तो ऐसे चौके देखने को मिलने वाले हैं फिर तुम लोगों को, बस रिप्ले देखो इसका भाई, बहुत आराम से बस टहला दिया बॉल को, बता दिया बॉल को किस डायरेक्शन में जाना है एंड इजी चौका मिला। ले लो भाई रवाड़ा भाई, तुम्हारे पास मेरा विकेट लेने का सबसे अच्छा चांस जो है वो अभी ही है, क्योंकि अब मैं हर बॉल पे मारने को जा रहा हूँ फिर भी तुम मेरा विकेट नहीं ले पाओ तो मैं क्या ही बोलूं भाई, यहाँ पे क्या एक और चौका वेल होगा ना भाई, लगातार चार बॉल पे चार बाउंड्री इन अ टेस्ट मैच। अबे यार कोहली भाई नॉट आउट रह गए एंड बुमराह एंड प्रसिद्ध कृष्णा दोनों आउट हो गए, वेल चलो कोई बात नहीं भाई। शुभमन गिल ने 210 बनाए थे 366 बॉल्स में, मैंने आई मीन विराट भाई ने 213 नाबाद बनाए 239 गेंदों में, तो वेल ऑब्वियसली द बेटर इनिंग्स वाज ऑफ विराट कोहली, बट पहले चलो एक बार ये भी देख ही लेते हैं ना कि इस मैच के इस मैच में होने क्या वाला है, चलो सिम्युलेट कर दिया एंड साउथ अफ्रीका के हालात अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, 119 पे ऑल आउट एंड इजी विक्ट्री फॉर इंडिया, प्लेयर ऑफ मैच दिया गया शुभमन गिल को। पहले चलो कोई बात ना, होप करता हूँ तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, मेरा फेस कैम ऑफ हो गया उसके लिए देखो सो सॉरी यार, मैं चाहता नहीं था ये हो पर क्या ही कर सकते हैं अब, तो चलो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में ट्राई करूंगा ये ना हो, अगला जो टेस्ट मैच है वो अगली वीडियो में आने वाला पार्ट टू में, तब तक उसके लिए इंतजार करना, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।